जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। बिहार में आंकड़े जारी होने के बाद यूपी में सियासी हलचल पड़ गई है। एसपी जातिगत जनगणना की मांग कर रही, लेकिन अब जातिगत जनगणना को लेकर एसपी में ही मतभेद उभरने लगे हैं। हम गिनती के समर्थक रहे, हम आंदोलन किए हैं, आंदोलन करने के नाम हम इनका साथ, लेकिन हमारे साथ कितना न्याय हुआ। हम 1961 में 70 लाख थे, आज 7,000 हो। मैं चाहता हूं विसंगति दूर हो जाए, उसके बाद गिनती हो। मैं चाहता हूं संविधान में लिखे हुए जो सिस्टम है उसके अनुसार सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर पूरे देश में जनगणना हुई है, होनी चाहिए। जो उसके अंदर जातियां हैं उसमें उनको गिनना चाहिए, न कि वो पिछड़ी जाति में। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है और सड़क से लेकर सदन तक हम इस मांग को निरंतर उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। निश्चित तौर से बिहार सरकार ने पहले शुरुआत की है, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा बिहार सरकार को, और वो पूरे देश के सामने ये चीजों को सामने लाए हैं जनगणना की। निश्चित तौर से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और ये निश्चित इससे आगे भी प्रदेश और देश के अंदर इस तरह की जातिगत जनगणना हो जिससे चीजें साफ हो सके। इस वक्त क्या जरूरत पड़ी है आंकड़ों की जी? ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है उनको 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्की को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निजाम चाहिए, ये तो कुछ है नहीं। अरे वो उसको बताइए कि आप मुल्क चला रहे हैं तो इतने दिनों में आपने मुल्क के लिए